हेलो दोस्तों, आज मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ शॉर्ट स्टोरीज विद मॉरल। मतलब ये कि इससे आपका मनोरंजन भी होगा और नैतिक शिक्षा भी मिलेगी, जो कभी ना कभी जिंदगी में आपके काम आएगी। तो आइए सुनते हैं कहानी मेरी जुबानी। चलिए आज इस तस्वीर के जरिए कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस तस्वीर में एक चीता है जो बड़े ही आराम से बैठा है और 3-4 कुत्ते हैं जो दौड़ रहे हैं। असल में 1930 यानी 1930 में बाहर के देशों में घोड़ों के साथ साथ ऐसे कुत्तों की दौड़ भी बहुत फेमस थी, और वो आदमी जो इन कुत्तों की रेस ऑर्गेनाइज करवाता था, उसने सोचा कि लोग बार बार एक ही टाइप की रेस देखकर थोड़े बोर हो चुके हैं, तो अब इस रेस को मजेदार कैसे बनाया जाए। फिर उसने कुत्तों के साथ चीते की रेस करवाने की सोची के लोग देखेंगे कि कौन ज्यादा तेज दौड़ता है, कुत्ते या चीता। पर जब रेस शुरू हुई तो चीता अपनी जगह से हिला तक नहीं। सब लोग उस आदमी से पूछने लगे, भाई ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों हुआ? तो उस आदमी ने मुस्कुरा के सबको कहा कि चीते को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि वो सबसे तेज दौड़ सकता है, इसलिए वो कुत्तों की रेस में दौड़ा ही नहीं। इस किस्से से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद ये जानते हो कि आप उनसे बेहतर हो तो जी काफी है। आराम से इस चीते की तरह बैठो और दूसरों को दौड़ते हुए देखो। शुक्रिया, फिर मिलेंगे।